ये चेक करो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हर्षिल के हसीन नज़ारों में आपका स्वागत है। पीछे देखिए आप, शानदार फूलों का बगीचा और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। जैसे कि ये देखिए आप, सेब ही सेब। इस सेब का नाम मैंने पता किया, ये है गोल्डन एप्पल। और इसी पेड़ को कलम करके ये देखिए आप, दो वैरायटी के सेब एक ही पेड़ में उग रहे हैं आपको। यह है गोल्डन और शायद यह है रॉयल एप्पल। और कमाल की बात, छोटे से पेड़ में, इस छोटे से पेड़ में बड़ा सा सेब भी हो रहा है। तो गाइस बहुत सारी जगह इधर देखने के लिए, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के नज़ारे आपको दिखा सके। तो अब पहुँच चुके हम कोतला कैफे में, जो कि है पुंगा भाई की शॉप, पुंगा भाई की कैफे है। और अब यहाँ थोड़ा सा रेस्ट होगा। ये देखिएगा इस काफी पुराने टाइम का एक मकान। तो ये देखो गाइस, भेड़ के ऊन को धो के सुखा दिया गया, बाद में मशीन से काट के इसका धागा बनाया जाएगा और फिर उसी से टोपे, मोजे, स्वेटर, गरम गरम आपको कपड़े मिलेंगे। तो उस ऊन से कुछ इस तरीके से धागा बनाया जाता है और फिर इस तरीके से स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स, कुछ भी आप बना सकते हैं। काफी सुंदर गांव। तो यहाँ की ये मुख्य संस्कृति है, हाथ से बनाए हुए स्वेटर, गर्म चीजें। होम स्टे की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, पूरी भरमार है। यहाँ के लोकल कल्चर को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कैंप साइट एरिया में और काफी ठंडी ठंडी हवा इन देवदार के पेड़ों की आ रही है। नीचे चल रही है अपनी नदी, रास्ता आप देख लीजिए, काफ़ी शानदार खूबसूरत, ऊँचे ऊँचे पहाड़। तो मन को एक अलग ही सुकून यहाँ हमें मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी शानदार नज़ारे यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। और अपने बड़े भाई तो ये नज़ारे चेक करो गाइस, क्या शानदार नज़ारा है। तो ये है वो डाकघर जहाँ
राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी तो ये चचा ही इधर से डाक देते थे। तो दोस्तों हर्षिल घूमते हुए हमें पता चला है कि जो हर्षिल आता है तो वो लामा टॉप भी जरूर जाता है, जिस तरह बद्रीनाथ आने वाले लोग माड़ा गाँव जरूर जाता है तो उसी तरह हर्षिल वाले लामा टॉप जरूर जाता है घूमने के लिए। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये है लामा टॉप, इस जगह से सनराइज, इसे सनराइज पॉइंट भी कहते हैं। तो शुरू हो चुकी है लामा टॉप की चढ़ाई और लगभग एक घंटे का टाइम लगेगा हमें लामा टॉप पहुंचने में और पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई रहेगी। तो हर्षिल गांव नीचे आप देख पा रहे हैं, थोड़ी बहुत चढ़ाई हमने कर ली है और भाई लोग काफ़ी थक गए अभी से, तो अभी काफ़ी ऊपर जाना है हमें। तो काफ़ी भारी भरकम चढ़ाई के बाद अब उतना ही हमें नीचे भी जाना है और फिर वापस ऊपर चढ़ना है, तो अच्छी खासी वाट लगने वाली है आज। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम लामा टॉप। किसी लोकल बंदे से हमने पूछा था कि कितना टाइम लगता है इधर चढ़ने में, तो एक घंटे का टाइम बताया था उन्होंने, पर पहाड़ी बंदे है आधे घंटे में ही पहुँच गया ऊपर टॉप में। अब यहाँ से नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये चेक करो गाइस, वो तो क्या नजारा है देखो भाई लोगों, लामा टॉप से व्यू के मजे लो। तो लामा टॉप के बिल्कुल टॉप एरिया में अब हम पहुंचने वाले हैं। ट्रैकिंग पे गए थे, टॉप पे है लामा टॉप। तो गाइस हम है अभी लामा टॉप में और यहाँ की हाइट की अगर बात की जाए तो इतनी तेज हवा चल रही है कि बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है इधर। ये अपने सोन की भाई जो ऐसे मौसम यह है लामा टॉप, आ जाओ। तो दोस्तों लामा टॉप की चढ़ाई करके हम वापस आ चुके हैं, नीचे गाड़ी हमारी बाइक तो चलते हैं उत्तर काशी की तरफ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।